दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं तथागत गौतम बुद्ध के बारे में। आज तक हमें किसी भी किताबों में तथागत गौतम बुद्ध के बारे में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन उन्हीं के उपदेशों को तोड़ मरोड़ कर किसी अन्य भाषा में बतलाया गया और उसे बुद्धिज्म से अलग बतलाया गया। लेकिन अगर हम बुद्ध से उन श्लोकों की तुलना करें तो वे मुंह के बल गिर जाते हैं, क्योंकि उनका कोई संबंध नहीं रहता है उनके धर्म से ना उनके साहित्य से, तो उनका कहीं ना कहीं बुद्ध से ही रिश्ता होता है। आइए इसे साबित करते हैं। नंबर 1, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा हमारा परम धर्म है, अर्थात किसी प्राणी को जान की हानि नहीं पहुंचाना। तब सवाल उठता है, क्या श्री राम ने किसी को नहीं मारा? क्या श्री कृष्ण ने किसी को नहीं मारा? क्या विष्णु भगवान या और देवी देवताओं ने हत्याएं नहीं की? क्या माँ दुर्गा ने हत्या नहीं की? क्या आज भी माँ दुर्गा और माँ काली के सामने बलि नहीं दी जाती है? अगर जवाब है हाँ दी जाती है और सब देवताओं ने किसी न किसी को मारा ही है, तो ये अहिंसा परमो धर्म क्या है? कहीं बुद्ध के उपदेशों का ब्राह्मणीकरण तो नहीं? हाँ हो सकता है। नंबर 2, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारी धरती एक परिवार है। तब सवाल उठता है, क्या इस देश में छुआछूत, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, जाति पाति क्या नहीं थी? क्या सभी एक साथ हंसी खुशी जीवन बिताते थे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तब सवाल उठता है, ये वसुधैव कुटुंबकम क्या है? कहीं अभी बुद्ध के उपदेश तो नहीं, इसे तोड़ मरोड़ कर हपिया तो नहीं लिया गया? हो सकता है। नंबर 3, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनय देती है, अर्थात बिना विद्या का बुद्धि संभव नहीं है, अतः सभी को विद्या देनी चाहिए जिससे आदमी सभ्य बनता है, विनम्र बनता है। अतः सभी को विद्या देनी चाहिए ताकि वह विनय प्राप्त कर सके। तब सवाल उठता है कि क्या ब्राह्मण धर्म में सभी को मुक्त विद्या दी जाती थी? कोई भी शूद्र नहीं था? कोई नीच नहीं था? जवाब है बिल्कुल नहीं। शूद्र थे और उन्हें विद्या अध्ययन पर रोक थी। विद्या तो शूद्र बुद्ध काल में पाए, जो भारत में विश्वविद्यालय बनाए गए। तब सवाल उठता है कि विद्या ददाति विनयम क्या है? यह भी बुद्ध का चुराया हुआ उपदेश तो नहीं? हो सकता है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि यह तर्क कितना तार्किक है या अतार्किक, आपके कमेंट पर निर्भर है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।